18 दिन पहले कोलकाता से निकला गंगा बिलास लग्जरी क्रूज आज वाराणसी पहुंच गया है। मौसम खराब होने की वजह से यह 3 दिन की देरी से काशी पहुंचा है। क्रूज में फ्यूल भरने की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद क्रूज रामनगर बंदरगाह से संत रविदास घाट पर पहुंचेगा। यहां पर उसके भव्य स्वागत की तैयारियां हो रही हैं। इस दौरान वह 3,200 किलोमीटर से अधिक की यात्रा का लंबा सफर तय करेगा। यह क्रूज भारत एवं बांग्लादेश से गुजरने वाली 27 नदियों के रास्ते अपनी मंजिल पर पहुंचेगा। इस लंबे सफर में एमवी गंगा विलास क्रूज घटना पटना साहिबागंज कोलकाता ढाका और गुवाहाटी जैसे 50 पर्यटक स्थलों से होकर गुजरेगा। सोमवार को क्रूज चंदौली से धानापुर से दोपहर निकला था और वाराणसी की सीमा में प्रवेश कर गया था। वहीं शाम को वाराणसी के राजघाट से करीब 8 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया था। We'll be right back.